आज मैं इंडिया की बहुत पसंद की जाने वाली स्वीट रेसिपी लाई हूँ, जो सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार हो जाती है। मुरमुरे के लड्डू बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें और हम मुरमुरे के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट यानी तकरीबन 3 कप मुरमुरे डालें और इन्हें थोड़ा भून लें। गैस मैंने लो पर सेट की हुई है, क्योंकि अगर इन्हें हम हाई गैस पर भुनेंगे या फिर बहुत ज्यादा देर के लिए भुनेंगे तो ये जल सकते हैं, इसलिए इन्हें हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है। करछी लगातार चलाते रहें। जब मुरमुरे इस तरह से टूटने लगे तब यह भुनकर तैयार है। अब गैस बंद कर दें। अब मुझे इस रेसिपी का दूसरा मेन इंग्रेडिएंट यानी गुड़ तैयार करना है, जिसके लिए एक कढ़ाई में तकरीबन 1 कप गुड़ डालें और इसे पिघला लें। गुड़ को पिघलाने के लिए भी फिलहाल गैस लो पर ही सेट रखें। इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लो गैस पर ही पकने दें। 1 से 1.5 मिनट के बाद गैस मीडियम पर सेट कर दें। अब इसे फिर से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पकने दें। गुड़ पक गया है या नहीं ये चेक करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और पिघले हुए गुड़ की कुछ बूंदे पानी में डालें। अगर गुड़ पानी में डालने पर इस तरह सॉलिड हो जाए तो गुड़ पककर तैयार है। अब इसमें भुने हुए मुरमुरे इस तरह थोड़े थोड़े करके डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए इस तरह एक बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी लें और पानी को हाथों पर इस तरह लगा लें, क्योंकि लड्डू का मिक्सचर काफी गर्म है। लड्डू हमें गर्म मिक्सचर से ही बनाना है। अगर मिक्सचर ठंडा हो गया तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। ये देखिए मुरमुरे का लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह फटाफट से सारे मिक्सचर के लड्डू बना लें, ताकि मिक्सचर ठंडा ना हो जाए। ये मुरमुरे के लड्डू एक हल्की फुल्की स्वीट है, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में मीठे और क्रिस्पी हैं। ऐसी ही और आसान और मीठी रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।